अरिथमेटिक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो इसको इवेल्युएट करते टाइम आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको इवेल्युएशन के टाइम पर समझा दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, सिंबल क्या है, आफ्टर द ऑपरेंड्स है, राइट। तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सिंबल है 30, वो क्या है, एक ऑपरेंड है, ठीक है, उसको स्कैन किया। अब यहाँ पे अगर ऑपरेंड है तो वो कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। तो हम एक्शन क्या लेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पुश, यहाँ पे हम करेंगे पुश, किसको पुश करेंगे हम 30 को, और 30 कहाँ पुश होगा, हमारा स्टैक के अंदर, ठीक है। अब ये स्टैक का एलिमेंट बन गया 30, राइट। नेक्स्ट आपका 5 है, 5, तो आप क्या एक्शन लेंगे, आप 5 को पुश करेंगे, पुश 5, राइट। अब आपने स्टैक में क्या पुश कर दिया है, 5 पुश कर दिया है, तो आपके दो एलिमेंट्स आ गए स्टैक के अंदर, 30 एंड 5, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 है, तो आपने 2 को भी क्या किया, पुश किया, पुश 2, 2 को पुश कर दिया आपने, तो आपके स्टैक के एलिमेंट्स आ गए 30, 5 एंड 2, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, फाइन, ये आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, इसका एक सिंबल ये भी होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, फाइन। जब आपका ऑपरेटर आता है तो आप क्या करोगे, स्टैक के जो अबव 2 एलिमेंट्स हैं, राइट, और या फिर ऑपरेंड्स हैं, उनको पॉप कर दोगे। तो अब मैं क्या करूँगी, पॉप कर दूंगी, यहाँ पर पॉप कर दूंगी स्टैक के अबव 2 एलिमेंट्स को, पॉप 5 एंड 2, 5 और 2 को मैं पॉप कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे अब स्टैक में रह गया 30, और आउटपुट में यहाँ पे 5 एंड 2 चले जाएंगे अलोंग विद द एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो 5 एक्सपोनेंशिएशन 2, ठीक है, 5 रेज टू पावर ऑफ 2, तो मेरा रिजल्ट आ गया 25। अब जो मेरा 25 आया है वो कहाँ चला जाएगा, वो स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या एक्शन लूंगी, पुश रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या आया, 25 आया है, तो अब वो कहाँ चला जाएगा, वो स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे है 30 एंड 25, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, 12 है, फाइन, नेक्स्ट आपका 12 है, तो 12 कहाँ चल जाएगा, हमारा स्टैक के टॉप पर, तो हम यहाँ पे करेंगे पुश 12, राइट, पुश 12 करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30, 25 एंड 12, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, 6 है, राइट, नेक्स्ट आपका 6 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे 6 को, पुश 6, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30, 25, 12 एंड 6, राइट, ये आपकी वैल्यूज आ गई, राइट। अब क्या है आपका, डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो अबव 2 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। यहाँ पे हम पॉप करेंगे किस किस को, यहाँ पे हम 12 एंड 6 को पॉप कर देंगे स्टैक में से, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टैक में अब रह गया 30 एंड 25, और यहाँ पे आपका 12 जाएगा, 12 ऑपरेटर आपका क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 6, ओके, ये आपका आ गया 2। अब 2 आंसर आया है, ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, पुश, जो रिजल्ट आया है वो हमारा क्या है, पुश 2, ठीक है, इन द स्टैक। तो स्टैक में अब क्या हो जाएगा, 30, 25, 2, ओके, स्टैक में अब आपका क्या हो गया, 30, 25 एंड 2, राइट। अब देखो क्या है, अब आपका क्या है, ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर है आपका, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हम करेंगे, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, राइट। अब अबव 2 जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, वो पॉप हो जाएंगे। अब हम पॉप कर देंगे, पॉप करेंगे यहाँ पर किस किस को, 25 को एंड 2 को, राइट। अब यहाँ पे आपका स्टैक में क्या बच गया, 30 बच गया, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, 25, आपका ऑपरेटर कौन सा है, प्लस 2, रिजल्ट आपका क्या है, 27,
27 है. फाइन, अब हम रिजल्ट को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर. रिजल्ट हमारा है 27 रिजल्ट है. तो अब आपके स्टैक में आ गया 30 एंड 27, राइट. अब नेक्स्ट हम सिंबल देखेंगे क्या है हमारा. अब है हमारा माइनस, माइनस यहाँ पे आ गया हमारा. अब हम अगेन क्या करेंगे, 30 और 27 अब दो ही बच्चे हैं, इनको पॉप करेंगे. पॉप करेंगे 30 एंड 27, राइट. तो अब आपका स्टैक हो गया एम्प्टी और यहाँ पे आपका आ गया 30 माइनस 27 इक्वल्स टू 3. तो जो आपका जो 3 आया है अब वो कहाँ चला जाएगा, अब वो पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर. तो अब हम पुश करेंगे पुश 3, राइट. और 3 आपका कहाँ जाएगा, स्टैक में, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है. 3 अब आपका क्या है, आंसर है. और स्टैक का, स्टैक में अब जो एलिमेंट बचा है वो क्या है, 3. ओके, अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे स्टैक का, ठीक है. इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक. तो आपको यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है जहाँ पे ऑपरेंड देखो स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपके क्या है, ऑपरेंड्स है, राइट. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपके ऑपरेंड है. उसके बाद ऑपरेटर्स है, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर. तो ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है, राइट. तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट आपका ऑपरेंड है ट्रू, ट्रू, राइट. इसको हम कहाँ करेंगे, इसको हम पुश करेंगे, राइट. पुश कर देंगे ट्रू स्टैक के अंदर. अब स्टैक में क्या आ जाएगा आपका, ट्रू, राइट, ऑपरेंड आ गया. नेक्स्ट आपका क्या है, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स कैन होगा, राइट. ये कहाँ चला जाएगा, ये स्टैक में चला जाएगा. इसको पुश कर देंगे स्टैक में, फॉल्स, राइट. अब स्टैक में क्या आ गया है आपका, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या है, ट्रू, ऑपरेंड है ट्रू. पुश कर देंगे इसको स्टैक में, ओके. अब स्टैक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ओके, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. नाउ नेक्स्ट आपका अगेन ऑपरेंड है फॉल्स, फॉल्स, ये हो जाएगा पुश स्टैक में, फॉल्स. अब यहाँ पे क्या एलिमेंट हो जाएंगे आपके, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ओके, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ये आपके एलिमेंट हो गए, राइट. ओके, अब नेक्स्ट आप देखोगे नेक्स्ट क्या है, अभी हमने ये ऑपरेंड्स कवर कर लिए, राइट. अब हमारा क्या है, ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, राइट, NOT, नॉट ऑपरेटर. अब जब नॉट ऑपरेटर आएगा, नॉट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, राइट. ये किस पे वर्क करेगा, ये स्टैक के एक एक एलिमेंट पे वर्क करेगा, ओके, वन एलिमेंट पे वर्क करेगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप कर देंगे जो उसका सबसे अबव एलिमेंट है, उसको पॉप कर देंगे. यहाँ पे हमने क्या किया, पॉप, फॉल्स, फॉल्स को पॉप कर दिया, राइट. अब स्टैक के पास क्या बचा है, ये तीन एलिमेंट बचे हैं, कंट्रोल वी, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट अप्लाई होगा स्टैक के एलिमेंट पे, नॉट फॉल्स, राइट. जब आप नॉट फॉल्स करोगे तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट क्या करता है, नॉट जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका रिवर्स रिजल्ट आपको देता है. अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू. अगर ये ट्रू होता तो ये क्या बन जाता, फॉल्स, राइट. नॉट क्या करता है, एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देता है, राइट. एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको रिवर्स कर देता है. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट ट्रू, ओके. नॉट का रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, फाइन. अब जो ट्रू आया है, ट्रू एलिमेंट, ये कहाँ पे जाके ऐड होगा, ये स्टैक के टॉप पे जाके ऐड हो जाएगा. तो हमारा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुश, पुश ट्रू, राइट. पुश कर दोगे आप स्टैक में ट्रू को, तो अब स्टैक के एलिमेंट क्या हो गए आपके, ट्रू, फॉल्स,
ट्रू एंड ट्रू, राइट। आपने ये वाला ट्रू भी यहाँ पे पुश कर दिया है, फाइन। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट नॉट के बाद कौन सा है, आपका नॉट के बाद है और, ओके। और है हमारे पास और, और अब क्या करेंगे हम स्टैक के दो एलिमेंट्स अबव टू एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। तो आप पॉप करोगे स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स, तो अबव टू क्या है हमारे पास, ट्रू टू है, देखो ट्रू टू दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ओके। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, स्टैक में से बाहर निकालेंगे, राइट, और इनके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, राइट, इनके ऊपर। अब यहाँ पे हमने पॉप कर दिया, तो अब स्टैक के पास क्या बचा है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अब देखो ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, और ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट तब देता है जब दोनों में से कोई भी एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है, राइट। दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तब भी ट्रू रिजल्ट देगा, और ऑपरेटर अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तब भी वो ट्रू देगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू, ट्रू रिजल्ट आएगा, फाइन। अब इस रिजल्ट को हम कहाँ इंसर्ट कर देंगे, स्टैक के टॉप पर, तो इसको कर देंगे पुश ट्रू, राइट, पुश ट्रू किया। तो अब स्टैक के पास कौन कौन से एलिमेंट है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके, थ्री एलिमेंट्स हैं, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और के बाद आपके पास है ट्रू ऑपरेटर, सॉरी ट्रू ऑपरेंड है हमारे पास, यहाँ पर ट्रू ऑपरेंड है, तो यहाँ पे आपने किया ट्रू, ट्रू कहाँ चला जाएगा, पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेंड है, राइट, ट्रू। तो अब स्टैक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये तीन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इनको ले लेते हैं कंट्रोल वी, और एक ट्रू और हमने पुश कर दिया, राइट, एक ट्रू और पुश कर दिया, फाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, इस ट्रू के बाद आपके पास क्या है, ये ट्रू हमने पुश कर दिया है, अब हमारे पास अगेन और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, राइट। तो और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, स्कैन होगा, तो क्या करेंगे हम स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, ठीक है, पॉप ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, पॉप के अबव टू एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, फाइन। अब स्टैक के पास क्या बचा, दो एलिमेंट्स बचे, ये दो एलिमेंट्स बचे, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, कॉपी कर देते हैं कंट्रोल की, राइट, ये दो एलिमेंट्स बचे हैं। अब जो हमने पॉप किए हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ट्रू और ट्रू, राइट, ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट, ओके। और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब आता है, जब दोनों, या तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, आपके पास रिजल्ट ट्रू आ गया। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या होगा, पॉप के स्टार्टिंग में आप उसको जाके इंसर्ट करोगे, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे रिजल्ट को, रिजल्ट हमारा क्या आया, ट्रू आया है, ठीक है, रिजल्ट को हम पुश कर देंगे, ट्रू, पुश ट्रू। अब आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टैक के अंदर, ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब अगेन और ऑपरेटर है आपके पास, फिर से और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हम लोग, राइट, अगेन और ऑपरेटर है, और तो क्या करेंगे, स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स लेंगे, राइट, पॉप क्या है आपका, फॉल्स एंड ट्रू, राइट, फॉल्स एंड ट्रू, दो एलिमेंट्स आपने पॉप कर दिए, फाइन। अब स्टैक के पास क्या बचा है, ट्रू बचा है, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्रू इसमें से पॉप हो गया, एंड देन फॉल्स, ठीक है, तो टी आर यू ई, ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि और के केस में दोनों में से कोई भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, रिजल्ट ट्रू आ गया,
फाइन। अब रिजल्ट को कहाँ हम इंसर्ट कर देंगे, स्टैक के टॉप पर। उसके लिए आप क्या करोगे, पुश ट्रू, ट्रू को पुश कर दिया राइट। अब स्टैक के पास क्या बचा है, ट्रू एंड ट्रू, दो एलिमेंट्स बचे हैं फाइन। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है हमारा, ये लास्ट आपका बचा है एंड ऑपरेटर राइट। ओके एंड ऑपरेटर। अब आप इसको क्या करोगे, एंड ऑपरेटर पे वर्क करने के लिए आप पॉप के एलिमेंट्स, स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करोगे। तो हमारे पास अब स्टैक में दो एलिमेंट्स बचे हैं, ट्रू एंड ट्रू। ओके दो एलिमेंट्स आपके बचे हैं, ट्रू एंड ट्रू राइट। स्टैक एम्प्टी है अभी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रू एंड ऑपरेटर को अप्लाई करोगे, ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ट्रू। एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट तभी देता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आ गया फाइन। अब जो रिजल्ट आया है उसे आप कहाँ इंसर्ट कर दोगे, स्टैक के टॉप पर। तो यहाँ पे हम कर देंगे पुश ट्रू। ओके तो अब आपके स्टैक में क्या लास्ट एलिमेंट रह गया, ट्रू। ओके एंड दिस ट्रू इज योर आंसर। ये जो आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन था उसका आंसर क्या है, ट्रू है। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।